हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, रेलवे इत्यादि की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी स्नेल के नियम से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो स्नेल का नियम क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। अपवर्तन कोण, देखिए, हम आपतन कोण को तो स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, यानी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण आई की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, यानी आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन आई, यानी किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, इसका मतलब क्या हो गया, साइन आर, यानी किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण आई की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर यूगल टू नियतांक। तो यही स्नेल का नियम है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर यूगल टू नियतांक। तो एयरपोर्ट के एग्जाम में पूछा जाता है स्नेल का नियम बताइए, वहां पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर ही टिक मारना है। तभी देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर यूगल टू साइन आर यूगल टू वन एन टू यूगल टू एन टू बटे एन वन यूगल टू नियतांक। तो यहां पर ये वन एन टू क्या है, यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, ये ऊपर वाला एक माध्यम है, नीचे वाला दूसरा माध्यम है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो ये वन एन टू क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी इस वाले माध्यम के सापेक्ष इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी वन एंड टू, इसका मतलब हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो वन एंड टू इक्वल टू क्या हुआ, एन टू बटे एन वन, यहां पर हमने ये वाली वैल्यू रखी हुई है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वन एंड टू इक्वल टू एन टू बटे एन वन इक्वल टू पॉइंट टेन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, उसी ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। तो अगर इनको और अच्छे तरीके से समझना है तो मैं जो लिंक दे रहा हूं उसमें जाकर के आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, सघन माध्यम विरल माध्यम अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो विरल माध्यम एक सघन माध्यम, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लीजिए ये वाला माध्यम है ये विरल है और नीचे वाला माध्यम है ये सघन है, तो जब प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यानी अपवर्तित किरण, ये वाली किरण आ रही है तो यहां पर अपवर्तन के पश्चात ये वाली किरण होगी, इस अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन अगर यही सघन माध्यम से विरल माध्यम में उल्टा आ रही है तो ये वाली किरण इस अभिलंब से दूर भाग जाती है। और किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यही स्नेल का नियम है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।